हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छा कार्डिगन का डिज़ाइन लाई हूँ और ये डिज़ाइन कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इसमें तीन तीन फंदों की बीच में उल्टे फंदों की धारी है ये, और ये फलियाँ बन बन के ऊपर की ओर जा रही है। डिज़ाइन पांच फंदों का है बीच में, देखिए 1 2 3 4 5, और बीच में तीन फंदों की ये उल्टी धारी है। इसमें आप देखेंगे ये जो नीचे जो फंदे हैं ये डिजाइनर फंदे हैं, और इस टाइप के डिज़ाइन में स्वेटर में बॉर्डर बुनने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कार्डिगन बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे आप बच्चों के स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। देखिए, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिए हैं। ये दो फलियाँ इसमें निकालेंगे हम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक फंदा जो है ऐसे बुन करके निकाल लेते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं और उल्टे धारे की तीन तीन फंदों को बुन लेते हैं हम। ये तीन फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद हमने डिज़ाइन के पांच फंदे बुनने हैं, धागे को बैक साइड में करते हैं, दो सीधे फंदे, एक उल्टा फंदा और दो सीधे फंदे। ये पांच फंदे डिज़ाइन के हो गए हैं। फिर ये बीच की उल्टी धारी हो गई है तीन फंदों की। उसके बाद धागे को बैक साइड में करते हैं, दो सीधे फंदे, एक उल्टा फंदा, फिर दो सीधे फंदे। ये पांच फंदे डिज़ाइन के हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं, तीन उल्टे फंदे बुनते हैं और एक लास्ट का फंदा जो ये हमने सिलाई के लिए रखा हुआ है। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो बैक साइड, पहला स्टिच हम बिना बुने निकाल देते हैं, धागे को बैक साइड में करते हैं। देखिए, ये तीन सीधे फंदे हैं, जो फर्स्ट रो में हमने उल्टे फंदे बुने थे वो अब यहाँ सीधे हो गए हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं, दो उल्टे फंदे बुनते हैं, एक सीधा फंदा बुनते हैं बीच का, धागे को अपनी ओर करते हैं, फिर दो उल्टे फंदे बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए तीन सीधे फंदे बुनते हैं। और इसी तरह से जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसको बुन करके इसे कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो फ्रंट साइड, अब डिज़ाइन की शुरुआत होगी। ये पहला स्टिच हम स्किप कर देते हैं सिलाई के लिए, धागे को अपनी ओर करते हुए तीन फंदों को हम उल्टा बुनते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक जाली बनानी है और दो फंदे का एक फंदा करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जाली बना देते हैं इस तरह से, और इस फंदे को इस तरह से पलटाते हैं और दो का हम एक कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक जाली डाल दी है, दो फंदे का एक फंदा कर दिया है, धागे को अपनी ओर करते हैं, बीच के फंदे को उल्टा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में, पहले इन दो का एक कर देते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर उल्टे फंदे हैं तो इसके लिए हम जाली ऐसे करके बनाएंगे। ये हमने एक जाली बना दी है और तीन फंदे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। एक बार फिर से देखिए, दूसरा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। पहले एक जाली डालते हैं इस तरह से, फंदे को पलटाते हैं और दो का एक कर देते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए एक उल्टा फंदा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए ये दो फंदों का एक फंदा कर देते हैं। अब उल्टे फंदे हैं तो इसके लिए हम इस तरह से जाली डालेंगे धागे को आगे की साइड करने के लिए, तीन फंदे हम उल्टा बुनते हैं और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं। ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो बैक साइड, पहला स्टिच हम स्किप कर देते हैं, निकाल देते हैं इस तरह से धागे को खींचते हुए। देखिए, धागे को बैक साइड में करते हैं
और तीन फंदे हम सीधा सीधा बुनते हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं, जाली वाले फंदे को उल्टा बुनते हैं। ये देखिए, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, और उसके बाद ये दो फंदे उल्टे, और ये तीन फंदे बीच के सीधे, और बाकी फंदों को भी इसी तरह से हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच स्किप करते हैं, तीन फंदे उल्टा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हैं, पहले इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बुनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने इन तीन फंदों का एक फंदा करना है और यहाँ पर जाली डालनी है, तो जाली डालने के लिए पहले हम एक फंदा ये जाली डाल देते हैं, इस फंदे को हम ऐसे निकाल देते हैं, और देखिए इन दो फंदे का हम एक फंदा करते हैं और इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देते हैं। ये तीन फंदों का एक फंदा कर दिया हमने। फिर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से जाली बनानी है और ये सीधा फंदा बुनना है। धागे को अपनी ओर करते हैं, तीन उल्टे फंदे बुनते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने धागे को बैक साइड में करते हैं, एक सीधा फंदा बुनते हैं। यहाँ पर पहले हम एक जाली बनाएंगे, इन तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, इस फंदे को स्किप करते हैं और इन दो फंदे का एक फंदा करते हुए इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देते हैं। यहाँ पर एक जाली बनाते हैं और इस फंदे को हम सीधा बुनते हैं, और ये तीन फंदे उल्टे बुनते हैं और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनते हैं। ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो। सिक्स्थ रो बैक साइड, देखिए पहला स्टिच स्किप करते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए तीन सीधे फंदे बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए। देखिए इस समय हमने पांच उल्टे फंदे बुनने हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये बीच के डिज़ाइन के फंदे सारे उल्टे बुने जाएंगे इस टाइम पर। धागे को बैक साइड में करते हैं और ये बीच के तीन फंदे सीधा बुनते हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं और इन फंदों को पांच फंदे उल्टा बुनते हैं और रो कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे डिज़ाइन की शुरुआत है। तो उसके लिए देखिए, दूसरे डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो है, एक फंदा स्किप करते हुए तीन फंदे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए। देखिए, दो फंदे सीधे, और देखिए इस फंदे को अब हम उल्टा बुनेंगे, धागे को बैक साइड में करते हुए दो फंदे सीधे, धागे को अपनी ओर करते हुए तीन फंदे उल्टे, धागे को बैक साइड में करते हुए इसी तरह से। देखिए, दो फंदे सीधे, इस फंदे को हम उल्टा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए दो फंदे सीधे, और ये देखिए तीन फंदे उल्टे। ये दूसरे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। इस एक डिज़ाइन को और निकाल कर दिखाते हैं आपको। बैक साइड में जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनते हैं। दूसरे वाले डिज़ाइन की थर्ड रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच स्किप कर देते हैं, तीन फंदे उल्टे बुनते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पहले जाली डालनी है और दो का एक करना है, तो पहले हम इस तरह से जाली डाल देते हैं, इस फंदे को पलटाते हुए दो का एक कर दिया है, धागा अपनी ओर करते हुए इसे उल्टा बुनते हैं, धागा बैक साइड में करते हुए इन दो फंदों का हम एक फंदा बना देते हैं। देखिए, उल्टा फंदा बुनना है तो यहाँ पर इस तरह से जाली बनाएंगे और दो फंदे हम उल्टा बुन देते हैं, ये तीन फंदे। फिफ्थ
फिर से यहाँ पर देखिए, एक जाली बनाते हैं सीधे फंदे की, इस धागे को पलटाते हैं और दो का एक कर देते हैं, फंदे को अपनी साइड करते हुए बीच का उल्टा फंदा बुनते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए इन दो फंदों का हम एक फंदा कर देते हैं, धागे को इस तरह से जाली डालते हैं और तीन उल्टे फंदे बुनते हैं और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनते हैं। ये तीसरे वाले दूसरे वाले डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनते हैं। दूसरे वाले डिज़ाइन की फिफ्थ रो देखिए, ये डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से, पहला डिज़ाइन ये वाला है और दूसरा वाला ये वाला डिज़ाइन है। पहला स्टिच को हम स्किप कर देते हैं और तीन फंदों को बुनते हैं। देखिए, धागे को बैक साइड में करते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं। यहाँ पर देखो, पहले हम एक यहाँ पर जाली डाल देते हैं, इन तीन फंदों का एक फंदा करना है हमने, तो उसके लिए देखिए इस फंदे को स्किप करते हैं और पहले इन दो फंदों का हम एक फंदा कर देते हैं और इस फंदे को इसके ऊपर से डाल देते हैं। ये डिज़ाइन देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जाली बनाते हैं और इसे सीधा बुन देते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए तीन उल्टे फंदे बुनते हैं, धागे को देखिए यहाँ पर हम ये सीधा फंदा बुनते हैं, एक जाली डालते हैं, तीन फंदों का एक फंदा करना है यहाँ पे। इसको उठाते हैं इस तरह से, स्किप करते हैं और इन दो फंदों का हम एक फंदा बना देते हैं और इस फंदे को इसके ऊपर से डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, धागे को अपनी ओर करते हुए तीन उल्टे फंदे बुनते हैं और लास्ट का फंदा सीधा बुनते हैं। देखिए हमारा डिज़ाइन निकल गया है। देखिए इसमें बैक साइड में देखिए, पहला वाला स्टिच हम स्किप करते हैं, धागे को बैक साइड में करते हुए तीन फंदे हम सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं और ये पांच फंदे इनको हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। इस तरह से धागे को बैक साइड में करते हुए तीन फंदे सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं और पांच फंदे हम उल्टा बुनते हैं। धागे को बैक साइड में तीन फंदे सीधा बुनते हैं और लास्ट का फंदा उल्टा बुनते हैं। देखिए ये हमारे दो डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि हमारा ये दूसरा वाला वीडियो है, इस तरह से ये एक एक करके इस तरह से ये फलियां बनती जाती हैं ऊपर की ओर। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं और अच्छे डिज़ाइन ला सकूं। थैंक यू।